भी खाना है, हर चीज तुमको खाना है ना ईशु? और सानवी अब ऐसे खड़ी होने लगी है खुद से विदाउट एनी सपोर्ट, और उसे यहाँ पे खेलना बहुत अच्छा लगता है। उसे पता नहीं क्या मिलता है, वो सोचती है कि मैं इसको खा लूँ। सानवी को हर चीज़ मुँह में खाना होता है, हर चीज़ मुँह में खाना होता है। बट मुझे ऐसे बहुत अच्छा लगता है जब वो खड़ी होकर अपने नन्हे नन्हे पैरों पे खुद से खड़ी होती है और कुछ करने की कोशिश करती है। वो यहाँ पे भी खड़ी होती है, साथ में ये बेड जो हमने ऐसे गद्दे कई सारे, ये देखो आप, ये ऐसे ऐसे गद्दे हमने अरेंज किए हुए हैं, जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा गद्दे थे उन्हें हमने यहाँ पर लगा के एक पूरा बेड में कन्वर्ट कर दिया है, जहाँ पे ईशु के ऐसे सारे टेडी बियर रहते हैं और सारे जितने भी खिलौने खेलने के सामान हैं। और ये देखो आ गई सानवी इस पे खड़ी होने के लिए। और ये ऐसे बेड पे खड़ी हो जाती है, इसी को सपोर्ट करके वो चलती रहती है, अपने टैडी को देख रही है। ईशु ईशु अब ईशु को फिर से अलमीरा दिख गई ईशु को, अलमीरा दिख गई। तो मैं ऐसे ईशु को नीचे तब छोड़ती हूँ जब प्रॉपर झाड़ू पोछा लग जाता है रूम में, और उसके बाद थोड़े देर मैं ऐसे ईशु को छोड़ती हूँ ताकि वो खेलती रहे। खुद से भागती रहे, उसे बेड पे ऐसे टिकना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो सोचती है मैं हर जगह खेलती रहूं, भागती रहूं, कहाँ जा रही हो छोटू? देखो देखो क्रॉल भी कैसे कर रही है कि मैं बस एक पैर उठा लूं जल्दी से। ईशु वेरी गुड मेरा बच्चा, वेरी गुड। अरे गिराना, नहीं, मम्मा ने सब लगाया हुआ था। शिट, मैंने एक तरफ ऐसे क्लोथ्स इकट्ठा किए थे जिनमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट है, लाइक मुझे जैसे ये स्कर्ट है, स्कर्ट की डोरी लगानी है, वो अंदर सरक गई है। छाप गिरा दिया ईशु ने, शब गिरा दिया, तूफान मचा दिया ईशु ने, मेरे ईशु ने तूफान मचा दिया है।